अब तो कुछ भी करती रहो, रंग में भंग तो डाल ही दिया मैंने। खुद ही है खुद को मिटाया। भाई क्या मतलब है पासपोर्ट नहीं मिल रहा? वहीं पे कहीं होगा ना, ध्यान से देखो। मैंने हर जगह चेक कर लिए, आपका पासपोर्ट मौजूद है, मेरा नहीं। पूरा कमरा छान लिया मैंने। भाई मैंने तुम्हें दो पासपोर्ट दिए थे रखने के लिए, कहीं रास्ते में गिरा तो नहीं दिया तुमने? नहीं इरफान, मुझे अच्छी तरह से याद है, दोनों पासपोर्ट मैंने बैग में ही रखे थे। अरे तो कहाँ चले गए फिर बैग से? छोड़ो तुम, मैं खुद ही देखता हूँ। अच्छा परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, मिल जाएगा ना। बाज दफा सामने पड़ी हुई चीज भी नजर नहीं आती। चलो मैं मिलके ढूंढती हूँ सर। चलो चलो। गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है हमें। अगर मुझे मालूम होता तुम ये सब कुछ करोगी तो मैं पासपोर्ट तुम्हें देता ही नहीं। अपने पास रख। अफान खुदा के वास्ते बेटा बस भी कर, कब से इसे बातें सुना रहे हो? अब देखो इसके चेहरे की तरफ, क्या ये परेशान नहीं है? इसने क्या जानबूझकर घुमाया है? भाई गाड़ी में भी देख लिया, गाड़ी में नहीं। I swear, अमरीन, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या। भाई रिलैक्स, क्या हो गया आपको? ऐसे मिसहैप्स कभी कभी हो जाते हैं। अच्छा हम दूसरा पासपोर्ट बनवा लेंगे अर्जेंट में। यार मैं और ऑफिस डिले नहीं कर सकता हूँ, मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, मैं पहले लेट हो गया हूँ। तो क्या हो गया बेटा, तुम चले जाओ ना, हम अमरीन का दूसरा पासपोर्ट बनवा कर इसे भेज देंगे तुम्हारे पीछे। हाँ मुझे लग रहा है वैसे ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। बस करो ना बेटा, जो होना तो हो गया, मिल जाएगा पासपोर्ट। चलो बेटा चलो। अरे जाओ भाभी के लिए पानी लेकर आओ। चल बस चुप करो मेरा बेटा, बस चुप, बस। नेक्स्ट वर्ड पीटर। अब तो कुछ भी करती रहो, रंग में भंग तो डाल ही दिया मैंने।